नमस्कार, भव्य श्री न्यूज से मनुपुर। बहुचर्चित एक्टर समीर शर्मा का हैरान कर देने वाला सुसाइड एक बार फिर भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कुछ घंटे पहले आया यह खबर लोगों के दिलों पर मानो खंजर चला दिया हो। समीर शर्मा ने बहुत सारी टीवी सीरियल में भूमिकाएं अदा कर लोगों के दिलों में अपना जगह बनाया है। 5 अगस्त की देर रात पंखे से लटका शो देखा गया। ये रिश्ते हैं प्यार के, इस प्यार को क्या नाम दे, दिल क्या चाहता है, कहानी घर घर की, आयुष्मान भव, 26/12 आदि बहुत से ऐसे टीवी सीरियल हैं। नाम अंकित करना मुश्किल है और लोगों ने इन्हें काफी प्यार दिया है। अभी इनकी सुसाइड की खबर सुनकर दिलों पर कैसा धक्का व सदमा लगा है व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। 44 वर्षीय समीर शर्मा का शो किचन में पंखे से लटका हुआ सोसाइटी के चौकीदार ने देखा। यह फ्लैट इसी वर्ष उन्होंने फरवरी माह में लिया था और ऐसा नहीं कि उनके पास कोई काम नहीं था या पैसे की दिक्कत थी। अभी हालिया ये रिश्ते हैं प्यार के में वह काम कर रहे थे। उन्होंने खुदकुशी क्यों की या फिर इस खुदकुशी को कोई और राज छुपा है, अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मामला संदिग्ध है। सूचना के आधार पर पुलिस को शक है कि समीर ने खुदकुशी 2-3 दिन पहले ही की है। समीर दिल्ली के रहने वाले थे। इन्होंने टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी इस किरदार में अपनी पहचान भी बनाई और सराहना भी करवाई। कहानी घर घर की में वह कृष्ण अग्रवाल की भूमिका निभाई है। फिल्म की बात करें तो 2004 में बनी फिल्म हंसी तो फंसी में सहायक भूमिका अदा की। इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा थे। 2007 की बनी फिल्म इत्तेफाक में भी उन्होंने काम किया है। घर में अकेले रहते थे समीर। 5 अगस्त को आसपास वाले को उनके फ्लैट से बदबू भी आने लगी थी। चौकीदार के देखने के बाद लोगों को बताई और फिर पुलिस को सूचित किया गया। समीर शर्मा मुंबई के मलाड पश्चिम में नेहा बिल्डिंग में रहते थे। अभी तथ्य सामने आने पर जानकारी मिलेगी। जल्दीबाजी में कुछ भी कहना उचित नहीं। यह आत्महत्या है या फिर अहत्या, मामला संदेह के घेरे में भी लिपटा हो सकता है, सुशांत सिंह राजपूत की केस की तरह।